नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का सवाल है क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी जी टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स एफ़ की वैल्यू हमें दी हुई है एफ इजल टू टू टी आई कैप प्लस थ्री टी स्क्र जे कैप न्यूटन वेयर आई जे आर यूनिट वैक्टर लॉन्ग एक्स एंड बाई एक्सेस वॉट विल बी द पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स एट एनी टाइम टी हमें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है किसी भी टाइम टी पे होएगा और अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं ना no, सिंपल सवाल है uh, सवाल ये कहता है कि फोर्स जो है वो अपने को दिया हुआ है टू टी आई कैप प्लस थ्री टी स्क्वायर जे कैप ये आपका फोर्स है हमें बताना है किसी भी टी टाइम पे आपकी पावर क्या होगी सो so, अपने को ये पता है कि पावर इंस्टेंटेनियस जो होती है वो एफ डॉट वी होती है एफ़ आपका फोर्स और वी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो आपको इंस्टेंटेनियस पावर देगा तो so, यहाँ पे हमें फोर्स तो दिया हुआ है हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना वेलासिटी के लिए हमें पता है कि हम पहले एक्सलेशन निकालते हैं एक्सलेशन विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई मास और यहाँ पर अपना मास वन के दिया हुआ है तो अपना जो आ, एक्सेलेशन आ गया वो आ गया टू टी आई कैप प्लस थ्री टी स्क्वायर जे कैप ये आपका एक्सेलेशन हो गया बिकॉज डिवाइडेड बाय वन सेम चीज़ रहेगी तो हमें ये पता है कि अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो उसको ए डी टी हम करते हैं आ, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सांप का साइन लगा के इंटीग्रेट होके अपनी वेलोसिटी आ जाएगी सो so इसी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे सो दिस विल बी टू टी डी टी आई कैप प्लस थ्री टी स्क्वायर डी टी जे कैप सो so, इससे अपनी वेलोसिटी वेक्टर वो आ गया आ, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आ, टी स्क्वायर बाय टू सो दिस विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आ, टी आ, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब बाय थ्री सो दिस विल बी टी क्यूब जे कैप ये आपकी वेलोसिटी हो गई सिंपल है पावर जो आएगी दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने करना है तो पावर विल बी इक्वल टू एफ डॉट वी सो ये हो गया आ, टू टी आई कैप प्लस थ्री टी स्क्वायर जे कैप इसको हम डॉट कर रहे हैं इससे सो दिस विल बी टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप सो अपनी सिंपल सा है इसको जब करेंगे जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ये बात हमें पता है कि आई आई जे जे के के मल्टीप्लाई होते हैं बाकी आई जे और जे आई ये सब टर्म ज़ीरो हो जाती है बिकॉज इनके बीच में एंगल नाइन्टी डिग्री का होएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं पावर विल बी इक्वल टू दिस विल बी टू टी क्यूब प्लस थ्री टी टू दि पावर फाइव यह आपकी पावर आ जाएगी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी टू टी क्यू प्लस थ्री टी टी टू पा फाइव वुड बी द राइट आंसर